नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आपके लिए आए हैं, इसे एक वीडियो में पहुंचाएंगे। बड़ी खबरें दिल्ली चुनाव को लेकर आ रही हैं, ताजा अपडेट तो वहीं जौनपुर में हुआ है बड़ा घोटाला। DCM में भरी EVM पकड़ी गई, क्या कुछ मामला है आगे जानते हैं। इसी के साथ तमाम बेहद बड़ी खबरें जानने के लिए लगातार साथ में बने रहिए। वहीं अगर आप भी मानते हैं इस बार चुनाव में जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद। इस समय की पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। जी हाँ, CGI DY चंद्रचूड़ ने भी डाला अपना वोट, कहा मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। आपको बताते चलें, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के तहत यहाँ पे मतदान पूर्ण हुआ। इसी बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो संविधान बचाने की कई बार बात कर चुके हैं और एक के बाद एक दमदार फैसले भी उन्होंने दिए हैं जो कि लोकतंत्र और संविधान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी बीच CGI DY चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय राजधानी में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए CGI चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के सभी नागरिकों के अपने इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरा निजी जीवन भारतीय कानून व्यवस्था और संविधान से जुड़ा है। आज मैंने अपना वोट डाल के अपने कर्तव्य का पालन किया है। यहाँ पे संविधान बचाने की बात भी की है। CGI DY चंद्रचूड़ ने अपना वोट डाला है। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दिल्ली में 7 सीटों पर बीते दिन यहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ और जो यहाँ पे तमाम रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं उसके अनुसार दिल्ली में बहुत ही बढ़िया चुनाव हुआ है। जी हाँ, एक सीट को छोड़ के सब पर कांटे का मुकाबला है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक गठबंधन इंडिया अलायंस 3 से 5 सीटें तक जीतने की उम्मीद कर सकता है दिल्ली में। यहाँ पे अच्छी वोटिंग हुई है दिल्ली में, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया। हाँ, कहीं पे यहाँ पे घपला करने का, यहाँ पे धांधली करने का मौका नहीं छोड़ा बीजेपी वालों ने। यहाँ तक कि LG के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने उन इलाकों में लोगों को रोका जहाँ इंडिया गठबंधन का वोट था। ये यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया था, काफी हंगामा देखने को मिला, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है यहाँ पर दिल्ली में और 3 से 5 सीटें जीत सकता है। कुल 7 सीटें दिल्ली लोकसभा में यहाँ पे आती हैं। वहीं आपको बताते चाहे लोकसभा 73 जौनपुर उत्तर प्रदेश से ताजा अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बीजेपी ने प्रशासन का काफी इस्तेमाल किया विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को परेशान करने के लिए। जौनपुर लोकसभा 73 में वोटिंग के दौरान बीते दिन पक्षपात देखने को मिला। स्ट्रांग रूम के पास DCM में भरी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें पकड़ी गई। पूछताछ के बाद प्रशासन से स्पष्ट कोई भी जवाब नहीं दिया गया। वहीं DM जौनपुर रविंद्र कुमार मोदक और कप्तान द्वारा सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को उल्टा ही धमकाया गया। जी हाँ, इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी हमलावर रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रशासन भाजपा प्रत्याशी की मदद कर रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से स्ट्रांग रूम के पास DCM में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पकड़ी गई हैं और जब यहाँ पे सवाल उठाए गए तो DM और SP उल्टा ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को धमकाते नजर आए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी की, वीडियो भी वायरल है। ये ताजा अपडेट जौनपुर उत्तर प्रदेश से निकल के आई। तो दूसरी ओर राहुल गांधी BJP पर हमलावर हैं। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में विवादित भाषण दिया और उनके भाषण पर लगातार विपक्षी दल घेर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी अब हमलावर है। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और भाजपा की सीटें दोनों ही लगातार गिरती चली जा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पे विवादित भाषण दिया, अब उस पर पत्रकारों की राय भी सामने निकल के आ रही है। एक पत्रकार ने कहा कि मंगलसूत्र से मुजरे तक ऐसा चुनावी अभियान भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार चलाया है। इस प्रकार का चुनावी अभियान आज तक चुनावों में कभी देखने को नहीं मिला। देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री की चौतरफा आलोचना हो रही है और जिस प्रकार के यहाँ पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा जनता को बहकाकर वोट लेने की बात सामने निकल के आ रही है। वहीं लालू यादव ने कहा कि मोदी का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार सिर्फ मक्खन लगाते रहते हैं, कोई अपना पत्रकारिता धर्म नहीं निभा रहा। प्रधानमंत्री एक बंद कमरे में 3 से 4 गोदी मीडिया पत्रकारों को इंटरव्यू देते आजकल नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने तो इस पूरे मामले पर घेरा ही था।
और अब लालू यादव ने भी घेरा और कहा कि ये पत्रकार नहीं है, ये यहाँ पे अपना पत्रकारिता धर्म भी नहीं निभा रहा है, सिर्फ मक्खन लगा रहे हैं प्रधानमंत्री को। देख सकते हैं गोदी मीडिया लगातार घिरती जा रही है। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। वहीं बिहार में रैली करते हुए प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बात कही, जिसके बाद तेजस्वी यादव जोरदार तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमलावर नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा, हेलीकॉप्टर में बहुत घूम लिए, अब जेल यात्रा के लिए तैयार रहे तेजस्वी। और वहीं मोदी के इस बयान पे तेजस्वी यादव का भी पलटवार आने में देर ना लगी। उन्होंने कहा, ये बिहार है, एक बार हिम्मत करके दिखाओ। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को दे दिया है खुला चैलेंज, बोले दम है तो तेजस्वी को एक बार हाथ लगाकर दिखाओ। तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी जी ये दिल्ली और झारखंड नहीं है, एक बार हाथ लगाकर तो दिखाओ। ये तेजस्वी यादव ने सीधे चुनौती दी है प्रधानमंत्री को। देख सकते हैं किस प्रकार से चरण दर चरण बीजेपी की जो सीटें कम हुई हैं उससे बौखलाहट स्पष्ट बीजेपी नेताओं की दिख रही है। उनके बयान भाषण सभी यहाँ पे अटपटा रहे हैं और अब उनकी बौखलाहट भी सामने निकल के आने लगी है अपनी हार देखकर। छठे चरण तक का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं छठे चरण में इंडिया गठबंधन ने पार किया है 272 सीटों पर जीत का आंकड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा। जी हां, ताजा बड़ी खबर आ गई है, चुनाव के 6 चरण पूरे हो गए, सिर्फ एक चरण यानी 7वां चरण का चुनाव बाकी है, वह भी 1 जून को संपन्न हो जाएगा, 4 जून को नतीजे। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी का भाग्य लगभग तय हो चुका, जबकि विपक्षी इंडिया अलायंस पहले चरण के बाद से मजबूत होता गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने विपक्ष का नारा दक्षिण में साफ उत्तर में हाफ दोहराया और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि छठे चरण की वोटिंग पूरी होने पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब दिल्ली में मतदान के बाद हम गठबंधन सहयोगियों के बीच बनी अविश्वसनीय केमिस्ट्री देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले ही 272 सीटों का आंकड़ा पार कर चुका है और कुल मिलाकर 350 से ज्यादा सीटें जीतने की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये बड़ा बयान आया है कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश का। 7वें चरण में वाराणसी लोकसभा सीट पर भी चुनाव होना है और इसी क्रम में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रियंका गांधी, डिंपल यादव का शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस और सपा समर्थकों का हुजूम काशी की सड़कों पर दिखा। जी हाँ, आप सभी को बताते चले, लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चुनावी संग्राम शुरू हो गया। इसके तहत 7वें चरण में देश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होने वाली है। इन 57 सीटों में एक प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सीट है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री 13 मई को ही एक रोड शो कर चुके हैं और आपको बता दें कि अब यहाँ पे अजय राय के लिए प्रचार करने डिंपल यादव, प्रियंका गांधी पहुंची और यहाँ पे आपको बता दें कि भारी हुजूम काशी की सड़कों पे देखने को मिला है सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, जो कि देखते ही बन रहा था। सीधे तौर पर यहाँ पे इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है और यहाँ पे आपको बता दें कि अजय राय ने दावा किया कि इस बार प्रधानमंत्री को वहां हराएंगे। और आपको बता दें कि इस बार अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी वाराणसी पहुंच सकते हैं, एक साझा जनसभा हो सकती है। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचाए हैं इस एक वीडियो में। अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।